टाटा ग्रुप का आईपीओ ब्लॉकबस्टर हो गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ खुलने के बाद एक घंटे में ही पूरा सब्सक्राइब हो गया है। ग्रे मार्केट में भूचाल लाने के बाद अब सब्सक्रिप्शन के मामले में टाटा टेक ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाटा टेक के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन फिगर के आंकड़ों को आसान भाषा में समझ लीजिए। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है। सुबह 10:36 तक ये ओवरऑल 1.04 गुना बढ़ गया। इसका QIB हिस्सा 1.98 गुना, NII हिस्सा 1.11 गुना और रिटेल हिस्सा 0.7 गुना भर गया है। और तो और इसका कर्मचारी हिस्सा भी 0.1 गुना भर गया है। अब आइए दूसरी बड़ी खबर पर, यानी टाटा टेक के आईपीओ का ग्रे मार्केट में क्या हाल है ये भी जान लीजिए। ग्रे मार्केट में टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। ग्रे मार्केट में कंपनी का अनलिस्टेड शेयर ₹350 के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। अपर प्राइस बैंड यानी ₹500 के लिहाज से देखें तो यह प्रीमियम 70% बैठता है, यानी लिस्टिंग पर 70% के बम्पर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। टाटा टेक का आईपीओ आज से खुल गया है। आप इस आईपीओ में 24 तारीख तक पैसा लगा सकते हैं। इसका प्राइस बैंड ₹475 से लेकर ₹500 तय किया गया है। एक लॉट में आपको 30 शेयर मिलेंगे जिसके लिए आपको ₹15,000 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट के लिए आपको ₹1,95,000 लगाने होंगे। अब आइए इशू साइज पर। कंपनी का प्लान इस आईपीओ के जरिए ₹3,042.51 जुटाना है। प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स ने ऑफर फोर सेल के लिए 6.09 इक्विटी शेयर्स रखे हैं। टाटा मोटर्स ने 4.62 करोड़ इक्विटी शेयर ओएफएस के जरिए बेचेगी, जबकि अल्फा टीसी इन्वेस्टर्स ने 97.17 लाख शेयर ऑफर फोर सेल के लिए रखा है। कंपनी का वैल्यूएशन कितना है ये भी जान लीजिए। कंपनी का वैल्यूएशन 20,283 करोड़ रुपये है। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में अब कौन कौन कितना हिस्सा बेच रहा है ये भी जान लीजिए। कंपनी के प्रमोटर 11.41% हिस्सा यानी 4.62 करोड़ शेयर बेचेंगे। वहीं अल्फा टीसी होल्डिंग्स पीटी 2.40% हिस्सा यानी 97.17 लाख शेयर बेचेगी। टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 1.20% हिस्सा यानी 49 लाख शेयर बेचेगी। जिस कंपनी में पैसा लगाना है उसके फाइनेंशियल्स को जानना और समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का मुनाफा 42.8% बढ़कर 624 करोड़ रुपये हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में आय 25% बढ़कर 4,414.2 करोड़ रुपये हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी मात्र 6 महीनों में अब तक मुनाफा 36% बढ़कर 351.9 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी 6 महीनों में अब तक आय 34% बढ़कर 2,526.7 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी जानदार और शानदार है। 3 साल से कंपनी के मुनाफे का CAGR 61.53% रहा है। एडजस्टेड एबिटा मार्जिन 18.60% रहा है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE फाइनेंशियल ईयर 2023 में 20.87% रहा है। अब जाते जाते ब्रोकरेज हाउस की टाटा टेक पर क्या राय है ये जान लीजिए। ब्रोकरेज हाउस SBI सिक्योरिटीज़ ने टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर सब्सक्राइब रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि ₹500 के ऊपरी प्राइस बैंड पर टाटा टेक्नोलॉजीज 32.5x फाइनेंशियल ईयर 2023 PE मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज हाउस वेंचुरा सिक्योरिटीज ने भी टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर सब्सक्राइब रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार, मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स की बढ़ रही लागत और चीन +1 रणनीति के कारण अमेरिका, यूरोप, चीन से भारत में विनिर्माण में बदलाव के साथ हम आने वाले सालों में टाटा टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल प्रदर्शन में मजबूती की उम्मीद कर रहे हैं। IDBI कैपिटल का टाटा टेक पर क्या राय है ये भी जान लीजिए। इशू को सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई है। ऑटो एरोस्पेस में कंपनी की अच्छी पकड़ है। ऑटो एविएशन से कंपनी को अच्छी आय होने की उम्मीद है। ऑटो इंजीनियरिंग में कंपनी लीडिंग कंपनी है। EV स्पेस में भी ग्रोथ का फायदा कंपनी को मिल सकता है। अब आइए एक्सिस सिक्योरिटीज पर। ऑटो इंजीनियरिंग और रिसर्च की टॉप कंपनी है। इंजीनियरिंग डिजाइन और डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। विदेशों में कंपनी के 19 क्लाइंट्स हैं। डसॉल्ट, लॉजिलिटी, सीमेंस जैसे बड़े क्लाइंट्स इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। एयरबस के साथ भी कंपनी का समझौता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की आय 25.81%, वही पैट 42.8% बढ़ा है। अब जाते जाते आनंद राठी का टाटा टेक आईपीओ पर क्या कहना है ये भी जान लीजिए। आनंद राठी के मुताबिक ये तेजी से बढ़ती हुई ER&D कंपनी है। ऑटो सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रही है। 75% रेवेन्यू ऑटो सेक्टर से आता है। हाल ही में कंपनी का एयरबस से भी समझौता हुआ है। एयरबस के ऑर्डर से एबिटा मार्जिन में सुधार आ सकता है। एबिटा मार्जिन 18-19% तक आ सकते हैं। वहीं कंपनी एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रही है।
हमने आपको टाटा टेक के आईपीओ के बारे में सारी बातें से आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको भी इस आईपीओ में किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट बिस्तर। बिस्तर आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तर के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।